Now, this film teaches us some moral ethics. Yes. We should not be, the man rightly said, we should not be selfish. We should understand the reality, we should know the reality. Absolutely. Kashmir मुद्दे को उन्होंने छुपाया है. उस जमाने का जो प्रशासन थी उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है. उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने नहीं दी. इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था 1990 में ऐसा हो रहा था. तो ये एक मूवमेंट होना चाहिए था. अगर ये अगर एक सही मूवमेंट और सही दिशा की तरफ जाती तो शायद ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं करता. तो एनीवे अभी भी अभी मौजूदा जो प्रशासन है उन्होंने बहुत कोशिश की एंड कोशिश कर रहे हैं. पहली बात तो बधाई हो उनको और हमारे देशवासी को. आर्टिकल 370 हटाया गया है, बहुत अच्छी बात है. अभी पुनर्वास की बात है. उनको जो पंडितों और बाकी लोग, मैं पंडित हूँ नहीं, बट आई एम अ हिंदू. इफ आई वॉन्ट टू बाय अ लैंड आई कैन गो एंड बाय अ लैंड. सो वाई नॉट, वाई बी स्कैड. सो वी ऑल शुड गो दैट. कश्मीर हमारा हिस्सा है, रहेगा और रहा भी है भी और रहेगा हमेशा. तो ये हमको भूलना नहीं है. सर इसके इस मूवी में एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट है एंड जिस तरीके से मतलब इस मूवी को कम स्क्रीन्स दिखाए, मतलब ऑल ओवर इंडिया में 560 ऐसे कुछ स्क्रीन्स दिए गए. तो ग्रेजुअली प्रमोटर्स बाय वर्ड ऑफ माउथ. सर मैं आपको बताता हूँ, बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी अच्छी तरह से रियलिटी को दर्शा रहा है. दिस फिल्म बाय वर्ड ऑफ माउथ विल पिक अप. Absolutely. And it will also probably be aired internationally. In fact, it has been aired internationally from the month of January, I think. There have been international shows हुआ है. तो लोगों को पता चल रहा है कि Indians, हम लोगों को क्या बताया गया था world को, Indians are bad, Indian government is bad, मौजूदा Indian government is bad, which is not the truth. उनको फिर धीरे 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 उनको बताया था कि दिस इज नॉट द ट्रुथ. इंडियन गवर्नमेंट मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट जो जेनोसाइड किए गए हैं, जो गलत काम किया गया है उसके खिलाफ लड़ रही है. तो और लड़ना भी चाहिए. Absolutely. हम सबको लड़ना चाहिए. हम सबको. वो क्या मुट्ठी भर आतंकवादी है उसको तो हम लोग ऐसा ही मसल सकते हैं. ऐसा ही मसल सकते हैं, है ना. हमारी उरी में हमारे ये में पाकिस्तान में घुस के उनको मार डाला. तो हमको क्या है, हम अगर एकजुट होंगे तो हम ऐसे मसल देंगे यार, है ना. दे'ल बी लाइक ब्लडी डस्ट, ऐसा फूक करके भाग जाएंगे. जो कायर लोग है, वो जो टेररिस्ट है वो लोग कायर लोग है, है ना. लातों की सब हाँ बातों से नहीं मानते. तो आईना ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैसेज जानी चाहिए. एंड अगर कश्मीरी अपने आप को अगर सही माने में कश्मीरी बोलते हैं, उनको कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास देना चाहिए. एब्सोल्युटली, ठीक है ना. एंड वी शुड ऑल अवेकन आवरसेल्व्स. ये वहां हुआ है, कल महाराष्ट्र में नहीं होगा कौन बता सकता है, कल बंगाल में नहीं होगा कौन बोल सकता है. तो ऐसा ऐसे 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 लोगों को सबक सिखानी चाहिए. वी शुड बी अ मूवमेंट. अनलेस एंड इट इज नॉट अ मूवमेंट. बिकॉज उरी कैसे हुआ, इट बिकेम एन मूवमेंट. देयर वाज प्रेशर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट उनको हंसते हंसते उसने एक्सेप्ट की और जाके सीधा वहां पे पाकिस्तान पे धावा बोला, है ना. ये काया लोग है, कोई मतलब उनके पास कोई ना जिगर है ना ये है, है ना. काया लोग क्या पीछे से वार करते हैं, है ना. शिवाजी महाराज को पीछे से वार करने की कोशिश की थी अफजल खान को. तो उसकी औकात मालूम है ना, इन लोगों की औकात ही नहीं है. ये टेररिस्ट वालों की औकात ही नहीं है, समझ रहे हो ना. तो ये बात है. एक लास्ट सवाल पूछे और हमारे इंडियन फोर्स को बदनाम करते हैं, विच इज सबसे बड़ी बुरी बात है. मैं तो बोलता हूँ कभी भी इंडियन फोर्स को बदनाम नहीं करना चाहिए. उन्होंने जो बलिदान दी है और इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड मास्टर प्लान. आई वुड सजेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी जो है वो उन्होंने एयरफोर्स आर्मी नेवी इन्होंने जो भी बलिदान दिए उनको जाके वहां पे कश्मीर में लैंड दो, उनके एक दो उनको एमिनेशन दो ताकि कल को कोई हिमाकत नहीं कर सके. वही तो कारण हिमाकत नहीं कर सके कि आइंदा ऐसा कोई काम करे.
हिमाकत नहीं कर सके, एक एक को छून छून के वो जो अलगावादी जो बचे रहे छून छून के उनको भगा दे रहे वहां से, है ना। तो उनकी नानी आदा दे और उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता। हमारे इंडियन जो आर्मी है उनमें इतना जज्बा है, इतना फोर्स है उनमें, वो उनको फ्री हैंड चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली 1990 में जो गवर्नमेंट थी वो कापुरुष थी, उन्होंने कोई फ्री हैंड नहीं दी थी, वरना इंडियन गवर्नमेंट ही काम करती थी यार। ये होता नहीं, ये शर्म की बात है। आजादी के बाद 1990 में ऐसा चीज हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, नहीं होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो? वो बोलता है भारत तेरे टुकड़े हो गए, मैं जूता निकालूंगा मारूंगा यार, मैं खुद मारूंगा। सबको मारना चाहिए ऐसा, अगर कोई बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे सारा जूता निकाल के मारना चाहिए। जो बच्चे लोग ब्रेनवॉश होते क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनको मालूम नहीं जो माँ तुमको दूध पिलाती है तुम बोलोगे मेरी माँ की टुकड़ा टुकड़ा करो, इतना अक्कल नहीं है उनको। ऐसा ऐसा बताया क्या है? अगर पढ़ाई थोड़ा अक्कल नहीं दिया भगवान ने तो ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों को सिखाओ, अपने यूथ को सिखाओ। कभी कोई अगर जरूरत नहीं करे मेरे भारत माता के ऊपर मैली आंखों से कोई नहीं देखेगा, मेरे देश के ऊपर कोई नहीं देखेगा। आप समझ रहे? रशियंस व्हाट दे हैव टॉट द वर्ल्ड, ब्लडी वी विल ब्लडी किल इफ यू आर डूइंग षड्यंत्र। तो हमारे देश के ऊपर का षड्यंत्र होता है, हमको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए एंड हमको समझना चाहिए। और जिसको पसंद नहीं है भागो यार, देश छोड़ के भागो, तुमको कौन हमको हमारे देश में वैसे भी आबादी है, जिसको पसंद नहीं है भारत तेरे टुकड़े जा तो बाहर जा, कोई और देश में जा उधर टुकड़े कर, मेरे देश में क्यों टुकड़े करने बैठा है? समझ रहे हो? ये बातें जज्बा होनी चाहिए। फॉर द यूथ, यू वांट द यूथ टू कम एंड यस, दे शुड नॉट यूथ एवरी